अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एजुकेशन गाइडपॉइंट की तरफ से हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं। आज की जो वीडियो है वो उन दोस्तों के लिए है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री या एमए एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों, तो उनके लिए एक खुशखबरी है कि जो लास्ट डेट थी एडमिशन की वो 31/5/2021 थी, यानी 31 मई थी। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में वो डेट बढ़ा दी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक करें और अच्छा सा कमेंट्स कर दें। थैंक यू सो मच। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो मैं आपको ले जाता हूं लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करते हैं, उससे आपको सारी बात मैं डिटेल के साथ बता देता हूँ। ये आप गूगल में PU लिखेंगे या पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी लिखें तब भी आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये इस तरह की वेबसाइट का जो मेन पेज है ये ओपन हो जाएगा। आपने बिल्कुल एंड पे आ जाना है। यहाँ पे आप देखें, ये ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है, डेट शीट है, रिजल्ट्स हैं, ये है शेड्यूल, स्केड्यूल। स्केड्यूल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें स्केड्यूल आएगा। ये देखें, सबसे टॉप पे उन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स एसोसिएट डिग्री है, पार्ट 1 पार्ट 2। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें डेट और इसकी जो फ़ी है वो सामने शो हो रही है। सबसे पहले जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, इसमें एसोसिएट डिग्री है, कॉमर्स के भी हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, एनुअल एग्जामिनेशन 2021। इसकी जो लास्ट डेट है वो देखें, ये है सिंगल फ़ी के साथ, 10 जून तक इसको बढ़ा दिया है, सिंगल फ़ीस है। उसके बाद 11 जून से जो है डबल फ़ीस के साथ स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखें, ये लेट कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो जो किसी कॉलेज के थ्रू एडमिशन भिजवाते हैं, उनकी भी डेट यही है और फ़ी लिखी हुई है। उसके बाद है प्राइवेट स्टूडेंट्स, उनकी जो फ़ीस है उसकी डेट भी सेम है, 10 जून तक डेट बढ़ा दी गई है और उसकी सिंगल फ़ी ये है और डबल फीस जो है ये आपके सामने शो हो रही है। तो दोस्तों, ये वो डेट है जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने बढ़ा दी है। इससे पहले डेट क्या थी, वो 31/5 थी, अब वो 10/6 तक बढ़ा दिए। इसके साथ देखें मास्टर के, MA MSc के, उसकी भी डेट आई हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो दोस्त जो मास्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये देखें सबसे टॉप पे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वही सेम डेट है, 10/6 लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप एडमिशन भिजवा सकते हैं। उसके बाद लेट कॉलेज प्राइवेट या इम्प्रूवमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना एडमिशन भिजवा सकते हैं, सिंगल फ़ी के साथ। 10 जून तक डेट है, 11 जून से जो है वो 15 जून तक 6 दिन आपको जो है 5 दिन मिलेंगे, वो डबल फ़ी के साथ होगी। आप डबल फ़ी का इंतज़ार ना करें, सिंगल फ़ी की डेट्स के अंदर अपना एडमिशन भिजवाएं। तो इससे पहले अगर आप इसको देखें, अच्छा, इसमें जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं, किसी न किसी कॉलेज के थ्रू एडमिशन भिजवा सकते हैं। इसके साथ साथ देखें जो उसकी प्रीवियस जो डेट थी वो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, 31/5 थी उसकी जो लास्ट डेट थी, वो 31/5 थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने जो है वो उसकी डेट बढ़ा दी है। पहले ये डेट थी, अब न्यू जो है वो रिवाइज्ड स्केड्यूल है, उसके मुताबिक जो है वो डेट क्या है वो 6 जून तक बढ़ा दी है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो जो जो दोस्त एडमिशन भिजवाना चाहते हैं वो एडमिशन भिजवा सकते हैं। एडमिशन का तरीकाकार ये होगा कि इसमें आजकल ऑनलाइन है, आप इसके थोड़ा सा उसमें बैक तरफ जाएँ तो ये देखें, इसके टॉप पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का आएगा। आप इसने क्या करना है, आपने आप अगर आप न्यू हैं तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाएंगे। अगर अकाउंट आपका बना हुआ है तो फिर आप यहाँ पे यूज़र नेम लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, तो क्या होगा, ये आगे सिस्टम ओपन होगा और आप इसमें एडमिशन भिजवा सकते हैं। तो बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं। यहाँ पर भी उन्होंने डेट दी हुई है सारी, ये BA BSc की सारी, MA MSc की तमाम डेट्स जो है दी हुई हैं और साथ साथ फ़ी भी दी हुई है। अगर आप एडमिशन भिजवाना चाहते हैं तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, अपना एडमिशन जो है वो विद इन टाइम आप भिजवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स करें और इसको लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।